कार, उस पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो से जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू, बीजेपी प्रवक्ता नरेश गुप्ता, छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जिस तरह से लगातार हम देखे मतगणना शुरू हो चुकी है, सबसे पहले जो है मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरह से लगातार आप दावे कर रहे थे, आपने हर कोशिश की कि कांग्रेस को पीछे रखा जाए, पर अब जो है कांग्रेस आगे आ रही है, कि अभी भी आप वही दावे करेंगे कि आपकी सरकार आगे चल रही है, आपके पार्षद जीत के आएंगे? देखिए, अभी भी बहुत समय है, उस पर आप चिंता ना करें। और भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद बहुत अच्छी संख्या से जीत के आएंगे। कांग्रेस के कांग्रेस कमिटी के प्रदेश अध्यक्ष के कोंडा गांव स्थित शहर में भी उनका चुपड़ा साफ हो गया है, तो आप चिंता ना करें, सारे जगह होगा। इनके मंत्री जो अहिरवारा में किए, जो अहिरवारा में बूथ के अंदर जाके कब्जा करने का प्रयास किए, बूथ के अंदर जहां वो मतदाता भी नहीं है, उस पूरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वहां घुसकर मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किए, वहां पर 15 में से 10 जीत की आई भारतीय जनता पार्टी। और पोस्टल बैलेट से मतदान कराकर इन्होंने जो करने का प्रयास किया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में बहुतायत नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में अपनी सत्ता स्थापित करेगी। यह सरकार जो है पेचवर सरकार हो गई है, कापा सरकार हो गई है। पूरे प्रदेश में कहीं रोडों का बनाओ नहीं बना रहे हैं, सब जगह सिर्फ पेचवर्क, कापा लगा दो, पेचवर्क करा दो। पूरा प्रदेश पेचवर्क में जा चुका है। जनता समझ गई है यह सरकार काम करने वाली नहीं है। जितने सैंक्शन 800 करोड़ रुपए के डिसबर्स अमाउंट जो थे पिछले सालों में, उस पैसे को रोक दिया गया नगरी निकायों के पास, तो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा इस राजनीतिक दल को, जिसका दिख रहा है। और आपको बता दूं, अंतिम रिजल्ट आते तक भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकायों में अपनी बेहतर प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। चलिए नरेश जी, आप यहाँ पर बोल तो रहे हैं कि आखिरी रुझानों तक इंतजार किया जाए, पर अगर अभी की हम बात करें, अभी के रुझान की हम बात करें, तो जिस तरह से कांग्रेस आगे चल रही है, कोई वजह लगती है आपको जिस वजह से वो आगे जा रही है और आप पीछे ही है? देखिए, आपको मैंने बताया ना अभी, हाँ आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। रायपुर जिले के कुरा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थिति है प्रशासनिक अधिकारियों की, 2 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पीछे है। वहां पर कुल 15 लोगों की 16 की संख्या है, 8 हमारे जीत चुके हैं, कांग्रेस का एक प्रत्याशी सिर्फ 2 वोटों से आगे, वह रिकाउंटिंग एप्लीकेशन लेने से मना करता है। यह राजनीति, यह राजनीतिक चरित्र है। आप एप्लीकेशन लेकर रिजेक्ट करो ना, आप हमारी पुनर्मतगणना को आप रिजेक्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन लेने से मना नहीं कर सकते। यह प्रशासनिक दबाव है, यह राजनीतिक चरित्र है, यह बता रहा हूं मैं आपको। अंतिम रिजल्ट आने दीजिए, दिख जाएगा। अजय साहू जी, जवाब दीजिए। देखिए, नरेश गुप्ता जी की झल्लाहट बता रही है कि ये भले अपने श्रीमुख से हार स्वीकार ना करें, पर इनकी आत्मा और इनकी अंतरात्मा जो है वो नगरी निकाय चुनाव में हार स्वीकार कर चुकी है। हम तो शुरू दिन से कह रहे थे, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं 1 साल के अंदर, चाहे वो छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर जो इन्होंने बैन लगाया हुआ था उसको फ्री किया है, बिजली का बिल हाफ किया है, किसानों के जेब में जो पैसा डालने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिस तरीके से आदिवासियों की करीब करीब 4200 एकड़ जमीन जो उद्योग अपने पूंजीपति मित्रों को इन्होंने देने का काम किया था उसको लौटाने का जो काम किया है, जो जनहित कल्याणकारी जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उसी पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के पंजा निशान पर मुहर लगाई है। और शाम तक नरेश जी भी रुके और हम भी रुकते हैं, और आप भी देखिएगा कि लगभग सभी निकायों में 70% से अधिक निकायों में कांग्रेस पार्टी का कब्जा होगा। कांग्रेस पार्टी काम करने पर विश्वास रखती है, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अंतागढ़ में इनकी सरकार थी, जिस तरीके से इन लोगों ने कृत्य किया, कैसे कांग्रेस के प्रत्याशी को खरीदने का काम किया, और जिस तरीके से दमनकारी नीति इन्होंने लगातार 15 वर्षों तक निभाई है, उसी का अनुभव आज शायद नरेश गुप्ता जी यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन हम काम करने में विश्वास रखते हैं, हम काम करते रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। देखिएगा, छत्तीसगढ़ पूरे देश में के पटल में उभर करने आएगा। पर अगर यहाँ पर हम बात करें तो रायपुर राजधानी की सीट पर आप लगातार पिछड़ रहे हैं, उसे किस तरह से देखा जाए? फिर देखिए, रायपुर राजधानी में लगातार 2 बार
दस वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है और शाम तक देखिएगा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये बात और है कि शुरुआती रुझानों में अभी कहीं आगे कहीं पीछे चल रहा है, पहले हम आगे थे अब कुछ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन शाम तक आप देखिएगा रायपुर नगर निगम में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का महापौर बनकर एक इतिहास गढ़ा जाएगा। आज तक लगातार तीन बार हैट्रिक किसी भी पार्टी ने नहीं मारी। चलिए मनोज जी के पास आना चाहूंगी। मनोज जी, क्या लगता है आपको, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो लेकर के लोगों ने वोट किया और लगातार हम देखे सुबह से ही कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, सुबह की स्थिति तो जरूर थी कि कांग्रेस लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन अभी का अपडेट यह है कि जितने बड़े नगर निगम हैं वहां सब में कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। केवल दुर्ग और धमतरी दो नगर निगम ही हैं जहां पर कांग्रेस एक तरफा बढ़त बना रही है, बाकी सभी नगर निगमों में कांटे की टक्कर है। बल्कि दो नगर निगम जो बड़े नगर निगम माने जाते हैं, रायपुर और बिलासपुर, इन दोनों नगर निगमों में भाजपा के जो पार्षद हैं वो ज्यादा संख्या में जीतते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल जो आधे दिन की रुझान है उसके मुताबिक। तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा था चुनाव के पहले तक कि सत्तारूढ़ दल होने का जो फायदा कांग्रेस को मिलता है वो मिलेगा, लेकिन इतनी कांटे की टक्कर भाजपा देगी इस बात की संभावना कम नजर आ रही थी। जो हमने सर्वे कराया था उसमें, हालांकि जो कल उसके नतीजे भी हमने जारी किए थे उसके मुताबिक हमने बताया था कि कांटे की टक्कर दोनों राजनीतिक दलों में होगी, लेकिन जो नतीजे अब जो रुझान जो अब धीरे धीरे नतीजों में बदलेंगे तो ये निश्चित कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने का विषय जरूर होगा कि जितनी उम्मीद उन्होंने की थी उतनी सफलता कांग्रेस को फिलहाल अभी तक के रुझानों से मिलती हुई दिखाई नहीं देती। चलिए कांग्रेस प्रवक्ता से जानते हैं क्या कुछ वजह रही है जिस वजह से हम लगातार देखें बड़ी बड़ी जगह पर जो है कांटे की टक्कर भी है और पीछे होती हुई भी नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हमारी कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, लगातार एक वर्ष का कार्यकाल हमारा बीता है, हम तो अपने कामकाज के दम पर ही जनता के बीच गए हैं। कहीं कहीं पर जरूर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से बूथों के अंदर में कवर कसी हुई थी, जिस तरीके से एक एक घर में जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई है, कार्यकर्ताओं की मेहनत निश्चित तौर पर रंग लाएगी और कांग्रेस पहले से ज्यादा ताकतवर होकर नगरीय निकायों में अपनी सत्ता में कब्जा करेगी। चलिए बीजेपी प्रवक्ता के पास आते हैं। जिस तरह से हम देखें कि लगातार कांग्रेस भी जो है बढ़त बनाती तो जा रही है और दावा बिल्कुल उनका है कि आगे भी बढ़त वही बनाएंगी, क्या लगता है आपको? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, आपको बता दूं इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के प्रवक्ता ने ठीक कहा कि हमने बूथ पर कमर कस लिया था। रायपुर का राजधानी है रायपुर, यहां पर एक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को 10 बजे तक बैठने नहीं दिया गया, मारकर भगा दिया गया, जिस पर पुलिस कंप्लेंट लिखने से मना कर दी, आयोग पर जाने पर बोला आप कलेक्टर से बात करो, कलेक्टर ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। बिल्कुल इन्होंने कमर कस के चुनाव लड़ा है, यही चुनाव लड़ने का कमर कस के चुनाव लड़ने का इनका सलीका है और जनता ने इनको देख लिया। आप रायपुर शहर में चलिए, आप अपनी गाड़ी निकालिए, हर जगह काम चल रहा है, सिर्फ पैचवर्क, इसको जनता ने समझ लिया, यह पैचवर्क की सरकार है, ठेकड़े लगाने वाली सरकार है, यह जनता ने समझ लिया और उनको ऐना दिखा दिया है। अभी जनता ने जनता इनको पूर्ण बहुमत दी थी, इनका परफॉर्मेंस बेस बनाकर 11 में से 9 लोकसभा के सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में डाला, यह इनका परफॉर्मेंस का नतीजा था। मनोज जी के पास आना चाहूंगी। मनोज जी, जिस तरह से भाजपा में हम देखें टिकट वितरण को लेकर के बहुत गहमागहमी भी देखी गई थी, क्या लगता है उस वजह से कुछ इस चुनाव पे असर पड़ा होगा क्या और नतीजों पर असर आएगा उसका? देखिए, जहां तक बात गहमागहमी टिकट वितरण को, तो दोनों ही राजनीतिक दलों में और जितने छोटे चुनाव होते हैं उतने ही ज्यादा जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनकी इच्छा होती है कि पार्टी उनको मौका दे, उनको टिकट दे, तो ये बहुत सामान्य बात है। दोनों ही राजनीतिक दलों में ये देखने को मिला था और दोनों ही राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है जिनको टिकट नहीं मिली थी उनमें से कुछ लोगों ने बगावत भी किया और निर्दलीय होकर चुनाव लड़े, कुछ को उसमें सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। निर्दलीयों का जो पूरा प्रतिशत है, यदि अभी रुझानों पर हम गौर करें तो 16-18% जो वार्ड हैं वहां पर निर्दलीय आगे बढ़ रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो निर्दलीय जीत रहे हैं वो किस राजनीतिक दल के बागी हैं,
आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो निर्दलीय चुनाव जीतता है उसको पार्टी सहर्ष वापस ले लेती है, जो हार जाता है भले उसको किनारे कर दिया जाता है लेकिन जीते हुए लोगों को वापस लिया जाता है। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि एक जो निर्णायक जो निर्दलियों की संख्या है, कई नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में निर्दलियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी नगर सरकार बनाने में। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो बागी या निर्दलीय जीत के आए हैं वो किस दल के से बगावत करके चुनाव लड़े थे और वो उनकी क्या स्थिति है। तो इसके आधार पर ये तय होगा। बहुत ही जगहों पे कम से कम 25-30% जो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत है वहां पर निर्दलीय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और ये निर्दलीय महत्वपूर्ण भूमिका तो निभा रहे हैं, पर मनोज जी अगर हम देखें जब निर्दलीय बढ़त बनाते हैं हमेशा हम देखते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में ज्यादा आते हैं, तो क्या लगता है इसका भी असर पड़ेगा? बिल्कुल, ये भारतीय राजनीति की बुराई है कि जब भी जहां पे भी बहुमत की जरूरत होती है और बहुमत के लिए जब आपको किसी को अपने फेवर में लेना होता है तो फिर उसके साथ आप सौदेबाजी करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसके दुष्परिणाम भी, लेकिन ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसका अनिवार्य अंग भी है। चलिए सुन लेते हैं, जान लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता से क्या कुछ कहेंगे। आप क्या कुछ लगता है जिस तरह से रुझान जो है लगातार बदलते जा रहे हैं, और अगर हम देखें बड़ी बड़ी जगह की अगर हम बात करें टक्कर भी यहां पर देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं रायपुर में आपके मेयर भी पीछे चल रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए अभी तो ये शुरुआती रुझान है, शाम तक आप देखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी अपने दम पर अधिकांश 70% से अधिक नगरीय निकायों में सत्ता में कब्जा करेगी, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता नरेश जी कह रहे थे कि इनके एजेंट को बैठने नहीं दिया, तो क्यों नहीं बैठने दिया इसकी भी जांच होनी चाहिए। इनको निर्वाचन आयोग जाना चाहिए, वहां पर आवेदन करना चाहिए। आप टेलीविजन चैनल पर बैठ के झूठे मनगढ़ंत आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा सकते। कोई सरकार चुनाव नहीं करा रही है, सरकार के जो एक काम है चुनाव कराने का, निर्वाचन आयोग चुनाव कराने का काम करता है। आपको वहां जाकर ये सब बातें रखनी चाहिए। आपके मतगणना आपका जो मतगणना एजेंट है उसके फार्म में क्या त्रुटि रही होगी, क्या रही होगी, आप उसके बारे में बात नहीं करके केवल आरोप लगाने से कोई चीज सिद्ध नहीं होता है। और उनकी ये जो झल्लाहट है वो बता रही है कि वो नैतिक तौर पर हार स्वीकार कर लिए हैं। शाम को हम फिर बैठेंगे और तब ये देखिएगा ये जनादेश को स्वीकार करेंगे। आज ये भले अभी उस जनादेश को मानने से इनकार कर रहे हैं, जो रुझान आ रहा है उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। नरेश जी, क्या इसे जल्लाहट मानी जाए जिस तरह से अजय जी ने भी कहा जल्लाहट है साफ तौर पर, कोई तो क्या लगता है कोई गड़बड़ी नहीं है वाकई में, जल्लाहट है ये? देखिए झल्लाहट क्या है, अब ये तो बात इनको समझ में नहीं आती है। जिस पे गुजरती है वो जानता है, यदि उसके बूथ एजेंट को बूथ से भगा दिया जाए और शिकायत करने पर पुलिस और कलेक्टर कोई कार्रवाई नहीं करे और कमीशन आकर खुद काम करने नहीं जाता है। हमने कमीशन से मांग करी थी कि हमको 24 आवर्स स्ट्रांग रूम की सर्वेलेंस प्रदान किया जाए। इनको लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में वो सर्वेलेंस प्रदान किया गया था कि नहीं? हमें क्यों नहीं प्रावधान किया गया? स्ट्रांग रूम में अहिरवाड़ा का स्ट्रांग रूम पीछे से पूरा दिमाग खाया हुआ था, जिस पर हमको पीछे जाकर बैठना पड़ा। सामने और पीछे दो जगह ड्यूटी लगाई गई, वो भी हमको रात को 3 बजे समझ में आया कि यहां दिमाग लगा है। यह चरित्र है सरकार का आपको और बता दूं। आपने जब बैलेट पेपर से जब वोटिंग के लिए जब टेंडर प्रोसेस नहीं किया गया, बुलाकर कोटेशन से बैलेट पेपर छापने का आदेश दिया गया, और कितना पेपर वेस्ट होगा इसका कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था कितना छाप के देगा, और उस पर मैनुअल जो नंबरिंग हो रही थी दैट वाज ऑल मैनुअल। और आपको बता दूं सिक्योरिटी लीक, उस पर दोनों जगह नंबर डाला हुआ है। यदि मैंने किसको वोट दिया हूं, मैंने यदि नोट करके आ गया तो मैं उस सिक्योरिटी को लीक कर सकता हूं। यदि कोई भी व्यक्ति वहां पे नंबर मिलान करके आ जाए तो काउंटिंग में उसको मिलान कर सकता है। सिक्योरिटी लीक है, इतना बड़ा फेलुअर है पूरे सिस्टम का इतना बड़ा फेलुअर है। मतदाताओं को ऊपर कितना बड़ा कुटारा घात है, आप सोचिए उसकी मतदान की सिक्योरिटी लीक हो रही है। मनोज जी जिस तरह से बात कर रहे हैं बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं कि जहर में बहुत आए जगह में जो प्रिसाइडिंग अफसर की सीन लगी थी वो पीछे से कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर ही थी। बहुतायत जगह में मैंने 22 जगह तो मैंने खुद जाके देखा, 22 कैंडिडेट्स की जगह पे 22 जगह से शिकायत आई
कि यह है जिसकी हमने शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह कहा कि हम इसको ठीक है ध्यान में रखेंगे काउंटिंग के समय, कितना बड़ा हासिल होगा उस काउंटिंग में आप कल्पना करिए। चलिए मनोज जी आपके पास आना चाहूंगी। मनोज जी क्या लगता है जिस तरह से बैलेट पेपर का लगातार विरोध हो रहा था और अभी भी जिस तरह से बातें हो रही है, क्या लगता है वाकई उसमें गड़बड़ी कुछ नजर आ रही है क्या? देखिए कांग्रेस का स्टैंड पहले रहा है कि वो हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि ईवीएम में टेम्परिंग होती है और इससे नतीजे बदल जाते हैं, और यही वजह है कि एक उनका राजनीतिक स्टैंड था जिसके कारण सरकार में आने के बाद इस व्यवस्था को लागू करना था, क्योंकि लगातार इतनी बातचीत इसमें हुई है कि ईवीएम क्या वास्तव में टेम्पर किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, तो आम जनता के मन में भी ये बात जो है कहीं ना कहीं आने लगी थी कि वास्तव में क्या ईवीएम टेम्पर हो सकता है नहीं हो सकता है। इसीलिए सरकार ने जो अपने जो पॉलिटिकल स्टैंड था उसके तहत उन्होंने जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय लिया। हालांकि बैलेट पेपर को लेकर शुरू से भाजपा जो है सवाल उठाती रही है कि बैलेट पेपर के उपयोग से कहीं न कहीं प्रशासनिक जो है दबाव वाली बात आती जहां भी, तो वहां पर प्रशासन जो है वो सरकार के दबाव में आके जो है सत्ताधारी दल को मदद कर सकता है, इस तरह के आरोप भी लगते हैं। और जो राज्य जो निर्वाचन आयोग है उनसे लगातार हमारी बात हुई तो उन्होंने बार बार इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराए जाएंगे। हालांकि भाजपा ने समय समय पर कई बार जो है अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है जिसकी जांच की बात जो है वो कही जाती रही, लेकिन ये एक सिस्टम है, हमेशा जो भी सत्तारूढ़ दल जिसकी सरकार होती है उस पर हमेशा विपक्ष जो है इस तरह के आरोप लगाती है, चुनाव में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाती है, राजनीतिक दबाव का आरोप लगाती है। यही भाजपा जब सरकार में थी तो कांग्रेस ये काम करती थी, अब कांग्रेस सरकार में है तो भाजपा ये काम कर रही है। तथ्यात्मक रूप से सही है कि नहीं ये बता दीजिए, बिना टेंडर के कोटेशन से इन्होंने सारे बैलेट पेपर पूरे छत्तीसगढ़ में छपाए और कितना परसेंट पेपर छप के आएगा उसका किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसका क्या मतलब है? अजय जी जवाब दीजिए। देखिए मैंने पहले ही कहा है ये जो इनकी झल्लाहट है वही प्रदर्शित हो रही है। ये कहते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है वो समझता है, अंतागढ़ भूल गए जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को आपने खरीदने का काम किया था। अरे आपके दामाद बाबू अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, जिस तरीके से पिछले चुनाव में टेबुलेशन सीट नहीं दिया करते थे, इन्होंने जो कृत्य किया है उसी कृत्य को अपने झूठ को जिस खूबसूरती के साथ पेश करने का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को दिखा रहा है। ये जो झल्लाहट है ये बता रही है कि ये हार स्वीकार कर लिए है, अब हार से बचने के लिए हार का ठिकड़ा किसके सर फोड़े, किसके सिर पर हार का साफा बांधे, वो काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाषण के बजाय अजय जी मेरे सवालों का जवाब दे दो, आपके सवालों का जवाब। अजय जी अगर हम यहाँ पर देखें तो आप भी किसी बड़ी बड़ी जीत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आप ये बात तो कर रहे हैं यहाँ पर। तक रुकिए, प्रदेश की जनता आपके सवालों का जवाब देगी। आप बैलेट कितना परसेंट छपा और कितना पेपर परसेंटेज वेस्टेज हो गया, टेंडर क्यों नहीं हुआ? जब बैलेट छपने चला गया तो बता दो, जब बैलेट छपने चला गया तब क्या आप सो रहे थे? शिकायत की गई थी निर्वाचन आयोग में, मेरा कहा शिकायत? चलिए चलिए मनोज जी से जान लेते हैं, मनोज जी किस तरह से देखते हैं? प्रॉब्लम है शिकायत को शिकायत नहीं आप बोल देंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। मनोज जी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? अजय जी सुनिए ना बात, ऐसे मत कीजिए, एक एक बोलने का मौका दीजिए सभी। 100 मीटर की दूरी से सर्विलेंस करिए, किसने रोका है? आपको ध्यान होगा विधानसभा चुनाव में हमारे लोग, अजय जी मैंने मनोज जी से सवाल किया, बोलने का मौका दीजिए। 100 मीटर दूर बैठे थे, वो सर्विलेंस प्रोवाइड क्यों नहीं किया आपने? वीडियो कैमरा का सर्विलेंस क्यों नहीं प्रोवाइड किया? आपको लोकसभा और विधानसभा में प्रोवाइड किया गया था। चलिए मनोज जी जिस तरह से लगातार ये दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, क्या लगता है किस रूप में आप देख रहे हैं इसे? देखिए ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चुनाव होते हैं राजनीतिक मुद्दों पर होते हैं और मुद्दे जो है इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप में ही तय किए जाते हैं और उसके आधार पर जो है पार्टियां जो है अपने अपने पक्ष में माहौल बनाती हैं। तो निश्चित तौर पर ये आरोप कभी भाजपा पे लगते थे, अब कांग्रेस पे लग रहे हैं।
तो ये कोई नई बात नहीं है, ये जरूर नरेश गुप्ता जी ने जो कहा कि तथ्यात्मक रूप से बातें रखें, तो निश्चित तौर पर इनकी जो आपत्ति थी बैलेट पेपर को लेकर, निश्चित तौर पर उस आपत्ति में दम था और उस बात की जांच का आश्वासन भी निर्वाचन आयोग ने दिया है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें पूरा जो है भारत निर्वाचन आयोग का दखल होता है, लेकिन जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वहां पर पूरे जो उसके लिए अलग जो निर्वाचन आयोग बनाया जाता है उसकी जिम्मेदारी होती है, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव, सरकार का प्रभाव उस पर रहता है, इसलिए ये शिकायतें होती है, उसकी जांच की बात भी कही जाती है। बहरहाल जिस तरह से सुनने में शुरू में आ रहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने से काफी जो है विवाद होगा और जो है इसमें राजनीतिक दुरुपयोग की भी बातें सामने आएंगी, लेकिन उतनी जिस पैमाने पर हमने सोचा था उस पैमाने पर अभी तक कहीं से कोई इस तरह की गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है। जरूर जैसा कि हमेशा होता है, जब भी जहां पे हार जीत का अंतर बहुत कम होता है, पुनर्मतगणना की बात जहां जहां पर आती है विवाद वहीं पर होता है, और आज भी कुछ जगहों पर ये हुआ, जैसे कि नरेश गुप्ता जी ने कुकुरा का उदाहरण बताया कि वहां पर जो है भाजपा प्रत्याशी 2 वोट से हारे और पुनर्गणना की जो उनकी अपील थी वो एप्लीकेशन ही नहीं लिया गया, रिजेक्टेड वोट है। आप हमारी एप्लीकेशन, आप रिजेक्ट करो, एप्लीकेशन तो ले लो बाबा। मनोज जी, आपको नहीं लगता जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इन आरोप प्रत्यारोप से बेहतर था, बैलेट पेपर से बेहतर था कि ईवीएम से चुनाव होते? देखिए, ईवीएम को लेकर पूरे देशव्यापी कांग्रेस ने जो है ईवीएम का विरोध किया था और कहा था कि इसमें टेम्परिंग होती है, और उन्होंने वकालत की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव जो होते हैं वो ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी होते हैं, इस तरह से उनका एक स्टैंड था। इसलिए सरकार में आने के बाद यदि वो भी ईवीएम से कराते तो फिर जो है उनके ऊपर एक सवाल खड़ा होता, इसलिए वो अपने स्टैंड के मुताबिक उन्होंने सही किया कि उन्होंने जो है एक तरह से पूरा अभियान छेड़ रखा था कि नहीं, ईवीएम से गड़बड़ी होती है, बड़े बड़े देशों में जहां पे ईवीएम शुरू किया गया वापस वो बैलेट पे आ गया, इसलिए यहां पे भी बैलेट से होना चाहिए, भले इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है लेकिन इसमें गड़बड़ी की संभावना नहीं होती है, इस आधार पे इस व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया गया था। चलिए नरेश जी, आपके पास आने चाहूंगी। अगर हम कवर्धा की बात करें, पूर्व सीएम रमन सिंह की बात करें, तो वो उनका गृह क्षेत्र है, पर वहां से पूरी तरह पिछड़ती हुई बीजेपी नजर आई, आखिर क्या वजह रही? आप कवर्धा के साथ साथ कोंडा गांव की भी बात कर लेते हैं हम, तो आपको समझ में आ जाएगा पीसीसी के जो चीफ हैं उनके एरिया में कांग्रेस की चूपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस के मंत्री रुद्रगुरु, रविंद्र चौबे, इन सारे जगहों में भी कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। मतलब आप यहाँ पर मान रहे हैं ना, क्योंकि हम कवर्धा की जिस तरह से स्थिति देखें, बड़े नेताओं का प्रभाव यहाँ पर नहीं चल पाया है कहीं ना कहीं हम देखें तो? नहीं नहीं, बड़े नेता का प्रभाव का सवाल, मतदाता आपको देख, बड़े नेता प्रत्याशियों के साथ साथ वह देता है कि हमें वोट देना है, और जो मासेस में गड़बड़ियां हुई हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कल्पना करिए, आप बूथ के नीचे तक जाइए कैसा वोट डला है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया रायपुर का, ऐसे कितने जगह ये सारी चीजें हुई हैं। आप मुझे बताइए अकाउंट कितना बैलेट छप के आया, मैंने आपको 5 रीम पेपर दिया, 5 रीम में कितना पेपर बन रहा है और कितना बैलेट बन रहा है और कितना बच के आया, इसका हिसाब नहीं है आज तक। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। अजय जी, बहुत सारी जगह हम देखे, बहुत सारे बड़े नेता दिग्गज जो है वहां से हारते हुए नजर आए, आखिर क्या वजह रही? देखिए, जो भी वजह रही होगी उसकी हम समीक्षा करेंगे। कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां पर हमारा प्रदर्शन हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है वहां पर बैठ करके आज शाम के बाद में जब पूरे नतीजे आ जाएंगे तो हम पार्टी के अंदर बैठ करके उसकी समीक्षा करके क्या उसके पीछे के कारण है उसको जानने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में उसको सुधारने का भी प्रयास करेंगे। मनोज जी, जिस तरह से हम देखें कांग्रेस पार्टी देखें या भाजपा देखें, उनके दिग्गज जो हैं पिछड़ते हुए नजर आए, क्या दिग्गजों के क्षेत्र में जो है पीछे हटते हुए नजर आए, क्या लगता है आखिर क्या वजह होगी और इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, इसके एक प्रमुख मायने तो ये हैं, जैसे रायपुर नगर निगम की बात करें, जितने महापौर के दावेदार चाहे वो भाजपा के हो कांग्रेस के हो, वो सभी अपने अपने वार्ड में, छोटे से वार्ड में पिछड़ते हुए नजर आए। जैसे वर्तमान जो
मेयर हैं प्रमोद दुबे, वो अपने वार्ड में एक निर्दलीय के मुकाबले पीछे चल रहे हैं। इसी तरह से भाजपा के संजय श्रीवास्तव हैं, जिनको मेयर पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, वो बुरी तरह पिछड़ रहे हैं अपने वार्ड से। इसी तरह से जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं राजीव अग्रवाल, वो पिछड़ते दिख रहे हैं। सूर्यकांत राठौर शुरुआत में पिछड़ते रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस से श्री कुमार मेनन, वो भी महापौर के दावेदार माने जा रहे थे, वो पिछड़ते हैं। तो इस तरह से जो है इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि पार्टी के अंदर ही अंदर भी इस बात को लेकर जो है लड़ाई चलती है कि महापौर बनने के लिए अनुकूल स्थिति क्या होगी। जैसे भाजपा में यदि 5 दावेदार हैं तो वो चाहेंगे कि महत्वपूर्ण दावेदार अपने आप किसी तरह से हार जाए, जिससे हमको बाद में फायदा मिले। तो इस तरह की प्रवृत्ति जो है दोनों राजनीतिक दलों में होती है, और उनके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम जीते लेकिन हमारा प्रतिद्वंदी हार जाए। तो इसको इस रूप में भी देखा जाना चाहिए, खासतौर पर जो रायपुर नगर निगम का संदर्भ है। इसके अलावा जैसे आपने बात कवर्धा की कवर्धा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का होम टाउन है, इसके बाद भी वहां पर जो है भाजपा पिछड़ गई। ये स्थिति कमोवेश विधानसभा चुनाव में भी दिखी थी। हालांकि जो डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ते हैं राजनांदगांव से लड़ते हैं, और वहां से उनकी जीत हुई है, और नगर निगम क्षेत्र जो राजनांदगांव है वहां पर उन्होंने फोकस किया था, और वहां पर कांटे की टक्कर है राजनांदगांव में भाजपा और कांग्रेस के बीच। कवर्धा में पिछले बार भी देखा था कि प्रदेश में सर्वाधिक मतों से कांग्रेस की जीत कवर्धा से हुई थी, तो वो ट्रेंड जो विधानसभा चुनाव के समय था शायद वो ट्रेंड अभी तक बरकरार है। स्थानीय लोग जिस कारण से भी डॉक्टर रमन सिंह से नाराज रहे होंगे, क्योंकि उस समय भी इस बात पर बहुत चर्चा हुई थी कि कवर्धा जो कि डॉक्टर रमन सिंह का जो है कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है, वहां से जो है कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर कैसे इतने भारी भरकम मतों से जीत गए, और जो है भाजपा प्रत्याशी को काफी वहां पे समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन बात वही है कि स्थानीय कुछ न कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे जो है पूरे वहां पर नाराजगी। जैसे कोंडा गांव की चर्चा हम कर लें, कोंडा गांव में मोहन मरकाम जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, वो जो है कोंडा गांव में जबकि काफी समय दिया, जबकि ये कहा जाता है कि जो पीसीसी अध्यक्ष होता है उसके लिए पूरा प्रदेश का एरिया होता है और उसको दूसरे जगह पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है और अपने घर को लेके वो कॉन्फिडेंट रहता है। लेकिन इस संबंध में हमने खबर भी दिखाई थी कि मोहन मरकाम जो है वो कोंडा गांव में उलझे, काफी दिनों तक वो कोंडा गांव छोड़ नहीं पा रहे थे। शुरुआती जब टिकट वितरण हुआ और उसके बाद जो कैंपेनिंग प्रदेश के दूसरे इलाकों में होनी थी, तो हमने उस समय एक खबर चलाई थी कि मोहन मरकाम जो है अपने छोटे से नगर पालिका में उलझ गए जबकि उनको पूरा प्रदेश देखना है, और उस खबर के बाद वो बाहर निकले थे। तो इतना मेहनत करने के बाद भी कहीं न कहीं जो है जो उनके समर्थक हैं टिकट वितरण में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई होगी, और इस तरह के कोई फैक्टर रहे होंगे जिसके कारण वहां पर जो है भाजपा को जीत मिली है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जो कि स्थानीय स्तर के ज्यादा होते हैं इस तरह के जो निकाय चुनाव है उसमें। मनोज जी, क्या लगता है जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दे थे उनका कितना असर इस पे पड़ा है? अगर हम 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, 3 तलाक की बात करें, एनआरसी की, सीएए की बात करें, तो क्या लगता है इनका भी असर इस मतदान पर पड़ा है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि निकाय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा कहीं पर भी हावी रहा। कुछ जो है बुद्धिजीवी इस विषय में बहस जरूर करते हैं, लेकिन ये देखने में आता है कि ऐसे बुद्धिजीवी जो है ज्यादा वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं। वोटिंग में भाग वही लोग लेते हैं जिनके अपने छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, उनके मोहल्ले में साफ सफाई का मुद्दा होता है, पानी बिजली इस तरह की छोटी छोटी आवश्यकताओं को लेकर जो आमतौर पर जो लोग परेशान होते हैं वही लोग जो है इस चुनाव के मुद्दे तय करते हैं और उसी के आधार पर चुनाव होता है। तो बहुत ही कम, थोड़ा बहुत कहीं उसका असर रहा हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। यहाँ पर जरूर जो है एक तो स्थानीय मुद्दा, इसके अलावा प्रदेश सरकार क्या कर रही है उसके खिलाफ, जैसा कि बार बार भाजपा के प्रवक्ता पिछले एक हफ्ते से जितने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर डिबेट हुए उसमें भाजपा प्रवक्ताओं का ये दावा था कि जो नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहां पर आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है और किसान परिवार के लोग वहां पर रहते हैं और वहां पर धान खरीदी को लेकर किसानों में जो नाराजगी दिख रही है उसका फायदा चुनाव में दिखेगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह की बात जो है वो आती है। तो स्थानीय जो विषय होते हैं, इसके अलावा प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर
यदि यदि लोग खुश हैं तो उसका अच्छा परिणाम उस सत्ताधारी दल के पक्ष में आएगा, और यदि किसी बात से नाराजगी है तो वो उसके जो है नकारात्मक परिणाम के रूप में सामने आएगा। तो राष्ट्रीय मुद्दे कहीं हावी रहे ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया, कम से कम नगरीय निकाय चुनाव में जरूर कहीं कहीं पर। चलिए नरेश जी से अब समझ लेते हैं ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन्हें लेकर के अब जनता के बीच में गए, और जिस तरह से लगातार आप दावे कर रहे हैं कि जीत आपकी सुनिश्चित है, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो लगातार असर कर रहे हैं और करेंगे? हमने मूल रूप से अपने 15 सालों के परफॉर्मेंस और 1 साल में सरकार के कमिटमेंट का फेलवर और हमारा विजन और हम आगे क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें और पार्टी की दिशा। पर परफॉर्मेंस की आप बात करें तो विधानसभा में तो आप पीछे गए ना, ये परफॉर्मेंस आपने विधानसभा में भी गिनवाई थी, पर वहां पर क्यों पीछे रह गए? उसके बाद लोकसभा चुनाव में 11 में से 9 सीट जीत के आए थे, ये भी इशू था। तो वो इसी चीज को हम एप्रेस कर रहे थे लोगों को कि वार्ड से लेकर दिल्ली तक हमारी कथनी और करने क्या चीज है, और दूसरे राजनीतिक दल का सोच क्या है और दूसरे लोगों का क्या सोच क्या, ये तथ्यात्मक रूप से हम एक दूसरे को, मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन हम अपना पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू जनता को बताना चाहते थे। आपको लगता है नरेश जी आपके जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, राष्ट्रीय जो फैसले लिए गए उनसे इस पर ये चुनाव पर कोई फर्क पड़ा है? देखिए ये कहना बड़ा आसान नहीं होगा, कमोबेश सारी चीजें आती हैं और स्थानीय चुनाव में बहुत सारी चीजें राष्ट्रीय स्तर गौण हो जाते हैं स्थानीय चुनाव में, ये सत्य है। चलिए अजय जी के पास उसको लेकर कोई चुनाव पर भी नहीं जाता है, वो उसका आधार ही कुछ और है। ठीक है, चलिए अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, जिस तरह से आपने विधानसभा में आपको जीत मिली, उसके बाद हम देखें लोकसभा में आप वो बरकरार नहीं रख पाए, पर अगर हम बात करें निकाय चुनाव में भी हम देखें तो बड़ी बड़ी जगह पे कहीं ना कहीं आप पीछे होते हुए नजर आगे नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसे किस तरह से देखा जाए? इसे जनाधार घटने की बात करें क्या कांग्रेस की? देखिए नगरीय निकाय के, देखिए विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए थे उसके बाद में मैं मानता हूं कि लोकसभा में हमको जितना अच्छा प्रदर्शन करना था वैसे हमारे अनुरूप परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, लेकिन फिर भी पहले हमारा एक सांसद हुआ करता था लगातार 2 बार से, इस बार हमारे 2 सांसद, मतलब एक तरह से 1 सांसद की बढ़ोतरी हुई है। मैं मानता हूं कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दे रहे होंगे, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके का प्रदर्शन करना चाहिए था वैसा परिणाम भी नहीं आया, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां पर हम बात कर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव की, तो ये चुनाव पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर हमने लड़ा था। हमारी सरकार के जो कामकाज थे, हमने जो आम लोगों के लिए काम किया है, जो किसानों के लिए काम किया है, जिस इस प्रदेश के अंदर पिछले 15 वर्षों में जहां 15,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, वो सिलसिला किसानों के आत्महत्या के रोकने का अगर कोई काम किसी सरकार ने किया है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। किसानों की जेब में पैसा डालने का काम किया है, उसी किसानों के वोटों से इनके अधिक से अधिक सांसद जीत के आए, 9 सांसद इनके जीत के आए, लेकिन जब उस किसान के अधिकार की लड़ाई में सांसदों को खड़ा होना था तो एक भी सांसद सामने नहीं आया, सारे लोग पर्दे के पीछे छुपे रहे, और भूपेश बघेल जी की सरकार ने कहा कि अजय जी आप इतना गिना रहे हैं कि ये सरकार ने किया है, जो ये भरने का काम किया है, किसानों की हर सुविधा दी है, तो आपको ईवीएम से चुनाव कराने में क्या दिक्कत थी? क्यों बैलेट पेपर को जोर दिया गया कि बैलेट पेपर भी किस बात का डर था? देखिए हमने अपने 84वें अधिवेशन में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया था कि हमारी पार्टी ईवीएम के पक्ष में नहीं है। कई विकासशील देश ऐसे हैं जहां जो पहले ईवीएम की पद्धति उन लोगों ने अपनाई, लेकिन बाद में जब उनको ये लगा कि ये कहीं ना कहीं इसमें टेम्परिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं इससे परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, तो वो सारे जो देश हैं वो वापस बैलेट की ओर आ गए। हम भी ये चाहते हैं कि इस देश में पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पूर्व की तरह बैलेट पेपर से हो, और निर्वाचन आयोग को जब बाकी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि हमको इस पद्धति में शंका है, तो निर्वाचन आयोग का काम है पारदर्शिता के साथ चुनाव कराना, उसको सभी राजनीतिक दल की मांग को
समझते हुए उनको ये मानना चाहिए कि जब सारे लोग मांग कर रहे हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसमें आखिरी सवाल मनोज जी से पूछ लेती हूँ, मनोज जी ऐसा क्या लगता है आपको, दोनों ही पार्टियों की तरफ से ऐसे कौन से मुद्दे रहे जो इतने प्रभावित रहे? देखिए मुख्य रूप से मुद्दा जो है, चूंकि नगरीय निकाय का चुनाव था तो वो यही देखता है कि उसके मोहल्ले में क्या क्या समस्याएं हैं, उस समस्याओं में कितना सुधार हुआ है, किस राजनीतिक दल, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी किसी वार्ड में ऐसा होता है कि कोई एक ही आदमी तीन बार चार बार से जीत रहा है, वो कितना उनको मदद करता है नहीं करता है, ये तमाम चीजें जो है वो मतदाता के दिमाग में होती है। मुद्दा जो है दोनों राजनीतिक दलों के जो मुद्दे हैं, जैसे कांग्रेस का मुद्दा था कि जो प्रदेश में उनकी सरकार आई, एक साल में डेवलपमेंट के क्या क्या काम हुए, खासतौर पे ग्रामीण विकास के साथ साथ शहरों में जो उन्होंने काम किए, बिजली बिल आधा किया, जो छोटे जमीनों की रजिस्ट्री पर जो रोक लगी थी उनको हटाने से किस तरह से लोगों को सुविधाएं मिली, ये तमाम चीजों को कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया था। वहीं जो भाजपा है उसने सरकार की एक साल की जो कामकाज की असफलता की, उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ साल भर में, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी रही, ये तमाम चीजों को जो है भाजपा ने मुद्दा बनाया था। इसके अलावा ये प्रमुख मुद्दा था कि ईवीएम की बजाय ये बैलेट पेपर से मतदान करा रहे हैं, इसको जो है भाजपा के नेता भुनाने की कोशिश करते रहे। इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष तरीके से जो चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसके तहत पहले एक मतदाता दो बार वोट डालता था, एक वार्ड पार्षद के लिए और एक मेयर या अध्यक्ष के लिए, अब उसको जो है अप्रत्यक्ष तरीके से जो निर्वाचन कराया जा रहा है उसको भी बीजेपी ने मुद्दा बनाया कि जो सरकार है उसने आम आदमी से एक वोट देने का अधिकार छीन लिया। तो ये तमाम मुद्दे थे जो इस पूरे चुनाव में हावी रहे। जी भाजपा प्रवक्ता के पास मैं आना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, अगर आपका मेयर जीतता भी है तो क्या लगता है आपको, सरकार कांग्रेस की है, आपको सपोर्ट मिल पाएगा लगता है आपको? देखिए सरकार किसी भी राजनीतिक दल की सरकार के साथ उस राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं, लेकिन सरकार सरकार होती है। छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ राजनीतिक द्वेष के साथ काम नहीं करेगी, न पूर्ववर्ती सरकारों ने की, ऐसी हमें अपेक्षा है। देखिए सरकार जो स्थानीय निकायों का संवैधानिक अधिकार है उसे कोई सरकार नहीं छीन सकती है। जब आपकी सरकार थी तो कांग्रेस लगातार कहती आई थी कि राज्य की सरकार कोई सपोर्ट नहीं करती है, कुछ काम नहीं हो पा रहा। सरकार में कितना सरगुजा महापौर को कितना सहयोग किया, रायपुर के महापौर की घोषणा पत्र में, और देखिएगा उनकी उपलब्धियों की सूचियों में किस कार्यकाल की सारी उपलब्धियां हैं, तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा सरकार सरकार होती है। यदि सरकार राजनीतिक भावना से कि यह विपक्ष की सरकार है ऐसा काम करेगी तो वो चले जाए। अजय जी आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ कहेंगे इस पर। देखिए निश्चित तौर पर चुनाव के आज परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद जब महापौर और पालिका अध्यक्षों का जब गठन हो जाएगा उसके बाद सरकार सारे लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ की सरकार समान व्यवहार रखते हुए सबके साथ सबका विकास करने की जो बात होती है, निश्चित तौर पर हम सबको साथ लेकर के छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे, नया छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे। जो बातें चुनाव की थी वो चुनाव तक रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बन गया या कहीं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है तो उसके वार्ड में काम नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको समान नजर से देखा जाएगा। मैं नरेश जी की बात से भी सहमत हूं, सरकार किसी के भी संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं करेगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। मनोज जी क्या लगता है ऐसा संभव है, क्योंकि हम देखें जब 15 साल तक सत्ता में सरकार थी बीजेपी की तो कांग्रेस लगातार ये कहती हुई आई थी कि राज्य की सरकार सपोर्ट नहीं करती है, तभी यही वजह रही है जिस वजह से काम नहीं हो पाए हैं, क्या लगता है आपको? अब देखिए कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है, लेकिन एक राजनीतिक स्टैंड भी होता है कि जिस तरह से नरेश गुप्ता जी ने कहा कि प्रमोद दुबे जो रायपुर के मेयर थे उन्होंने जो जो रायपुर शहर के डेवलपमेंट का काम किया उस समय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तो ये एक स्टैंड लेना होता है, चूंकि दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और पॉलिटिकल एक स्टैंड लेना होता है, इसलिए ये आरोप लगते रहते हैं। लेकिन जैसा कि नरेश गुप्ता जी ने भी स्वीकार किया कि सरकार जो है वो सरकार होती है और जो एक संवैधानिक अधिकार
अधिकार जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि को मिलता है उस अधिकार के तहत उसको पर्याप्त जो है सुविधाएं मिलती है और एक थोड़ा सा अड़ंगा जरूर लगता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और इस बात को जनता भी समझती है। इसीलिए ये माना जाता है हमेशा कि जो नगरीय निकाय या पंचायती राज के चुनाव होते हैं उसमें जनता के दिमाग में ये होता है कि नहीं, सत्तारूढ़ दल का आदमी चुनेंगे तो काम थोड़ा सा आसानी से होगा, और ये एक वजह होती है कि एक एक परसेप्शन बन जाता है कि सत्तारूढ़ दल को जो है एज मिलता है चुनाव में। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ चर्चा में जुड़े। तो आपको बता दें लगातार जिस तरह से सुबह से रुझान सामने आ रहे हैं, स्वराज एक्सप्रेस लगातार रुझान जो है आपको दिखा रहा है, छत्तीसगढ़ की 151 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए वोटों की गिनती अभी भी जारी है, कहीं कांग्रेस आगे चल रही है तो कहीं बीजेपी आगे चल रही है, और लगातार हम भी आपको रुझान दिखा रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्योंकि दोनों ही पार्टियां दावे तो कर रही कि हमारी पार्टी जीतेगी, हमारा पार्षद आएगा, हमारा मेयर आएगा, पर देखने वाली बात होगी क्योंकि शाम तक रुझान सारे निकल करके सामने आएंगे और देखेगा कि कौन जीतता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।